नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। ट्रंप सख्त, पाक नागरिकों पर भी लग सकता है प्रतिबंध। वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखे जा रहे पाकिस्तान को उन मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की सूची में शामिल किया जा सकता है जहां से लोगों के अमेरिका आने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने उस समय ये संकेत दिया जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्यों नहीं, तो इस सवाल के जवाब में स्पाइसर ने कहा कि संभवतः हम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से ही ये सवाल व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों का पीछा कर रहा है। इन देशों में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन शामिल है। पिछले कुछ दिनों से व्हाइट हाउस के अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि इस सूची में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों के नाम क्यों शामिल नहीं हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने संकेत दिया कि पाकिस्तान इस सूची का हिस्सा हो सकता है। स्पाइसर ने कहा कि संभवतः हम ऐसा करेंगे। हमने उन 7 देशों से शुरू किया है जिनकी पहले पहचान की जा चुकी है। 90 दिन की समीक्षा अवधि रहेगी। इस 90 दिन की समीक्षा अवधि के दौरान हमें कुछ और देश मिल सकते हैं या हम किसी को हटा सकते हैं या ऐसा ही कुछ भी, लेकिन ये एक समीक्षा प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता एक सरकार के रूप में उन 32 करोड़ 40 लाख लोगों की सुरक्षा करना है जो इस देश में रहते हैं। इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को इस देश में आते हुए थोड़ी परेशानी हो, लेकिन ये हमारा राष्ट्र है। हमारी पहली और शीर्ष प्राथमिकता हमारे लोग हैं। सप्ताह अंत में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ प्रिंस प्रिबल ने भी कहा था कि पाकिस्तान को भी उन मुस्लिम बहुल देशों की सूची में शामिल किया जा सकता है जहां से लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया है। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बजट में किसानों के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा। राशन दुकान पर अब गरीबों को नहीं मिलेगी सस्ती चीनी, सब्सिडी कम। IRCTC, IRFC और इरकॉन शेयर बाजार में। ओडिशा में बारूदी सुरंग विस्फोट, 7 पुलिसकर्मी शहीद। और सरक्रीट इलाके में 2 और पाकिस्तानी नौका जब्त।